नमस्कार, मैं हूं संजीत सिंह राजपूत। फिर से अपने एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज कोई प्लॉट या किसी चीज़ का वीडियो लेके नहीं हूं। आज कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी तो उसके लिए ये वीडियो है। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मिक्स इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं इसमें, जो कि काफ़ी लोगों का अलग अलग वीडियो पे कुछ कमेंट्स आते हैं तो उस पर मैं जवाब दे नहीं पाता हूं सही से। तो मैंने सोचा कि एक मिक्स वीडियो बना के आप लोगों के लिए बता दूँ। देखिए जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लॉट्स के लिए। हम आज बात करेंगे इस पे, चर्चा जो होगी हमारी प्लॉट के लिए चर्चा है इसके ऊपर, और कैसे परचेस करना होता है, क्या क्या चाहिए हमें, वो सब बताऊंगा। देखिए दो चीज़ होता है, कभी भी अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं तो उसमें दो चीज़ आपको करना होता है, सजेस्ट जो होता है। पहला आपको लोकेशन देखते हो और दूसरा अपना बजट देखते हो, ठीक है। दो चीज़ अगर आपका कन्फर्म है तो आप देन आप प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो, प्लॉट परचेस कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बजट कम होता है लेकिन हमें फिर अच्छे लोकेशन में चाहिए होता है, या फिर लोकेशन अच्छा चाहिए बजट है ही नहीं, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। या तो आप बजट से कंप्रोमाइज़ कर लो या फिर लोकेशन से कंप्रोमाइज़ कर लो। बजट से कंप्रोमाइज़ करने का मतलब ये है कि अगर आपका बजट कम का है, अगर अच्छे लोकेशन में चाहिए तो आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। अगर अच्छे लोकेशन में आपको मिल रहा है बट आपके बजट में भी है तो वो थोड़ा दूर होगा, बट वहाँ भी आपको कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, ठीक है सर। तो दो ही चीज़ मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ कि दो चीज़ आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको भी पता है सर कि अच्छे लोकेशन का प्राइस अच्छा ही होता है, ठीक है। अगर आप सेक्टर में जाते हो, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं सर, अथॉरिटी का प्लॉट है, अथॉरिटी का प्लॉट है, अथॉरिटी का प्लॉट है। मैक्सिमम लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि आपका गवर्नमेंट अप्रूव कॉलोनी है, कि आपका गवर्नमेंट से अप्रूव है। अब एक चीज़ बताओ भाई साहब, आपको पता है गवर्नमेंट अप्रूव है या जो गवर्नमेंट से अप्रूव कॉलोनी होती है, जो सेक्टर की प्लॉट होती है, फरीदाबाद के अंदर मिनिमम 30,000 से गज से स्टार्ट है। मैं बहुत बार अपने वीडियो में बोल चुका हूँ कि 30,000 के नीचे की जो प्लॉट हो ना, वो आप ये सोच लेना कि जी ये गवर्नमेंट अप्रूव कॉलोनी नहीं होती है सर। अगर आपको गवर्नमेंट अप्रूव चाहिए, सेक्टर में प्लॉट चाहिए, तो आपको 30,000 से ऊपर जाने पड़ेंगे, चाहे वो नोएडा में चले जाओ चाहे फरीदाबाद में चले जाओ, इससे नीचे आपको नहीं मिलेंगे। बट क्या होता है, जिसके पास बजट नहीं है वो तो कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करेगा ना। कितने लोग कहते हैं तू तो कच्ची कॉलोनी बेच रहा है, तू ये बेच रहे हो, तुम वो बेच रहे हो, क्योंकि आजकल लोगों को बोलने की तमीज नहीं है, फ्री का इंटरनेट मिला हुआ है, लोग कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं किसी को, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो यार, जैसी सोच होती है लोगों की वैसी वो बात करता है। तो जिसका बजट जैसा होता है वैसे उस हिसाब से बंदा अपना प्रॉपर्टी परचेस करता है। देखो हर एक इंसान एक चाहता है कि एक अपना छोटा सा घर हो, ठीक है, ताकि ये किराए से मुक्ति पाए, तो उसमें थोड़ा सा उनको रिस्क भी लेना पड़ता है। और जैसे भी सब लोगों को पता है कि फरीदाबाद में रजिस्ट्री बंद है, तो लोग कहते हैं आप कहाँ से करा कर दोगे। अरे भैया जब पता ही है कि जब फरीदाबाद की रजिस्ट्री बंद है तो मैं कहाँ से करा कर दूंगा, सरकार थोड़ी लग रहा हूँ भाई साहब कि मैं करा कर दूंगा आपको, जब खुलेगा तब होगा, नहीं तो GPA ऑप्शन है अपने पास, GPA करा सकते हो, उसका GPA रजिस्टर्ड करवा लो। दिल्ली में भी तो अभी तक रजिस्ट्री नहीं थी यहाँ पे, बट अब गवर्नमेंट ने बोला अब रजिस्ट्री कराएंगे, इतने साल से रजिस्ट्री थी नहीं जी दिल्ली के अंदर, तभी ने लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज किया, सेल किया, सब कुछ किया ना। GPA भी तो होता था दिल्ली के अंदर भी, अब लोग पता नहीं GPA सोचते कि GPA मतलब बेकार चीज़ होता है। भैया बेकार चीज़ नहीं होता है, आपके समझने के ऊपर होता है। GPA कराने का भी अलग अलग तरीका होता है। अब एक बात और है, मैं कोई भी प्लॉट डालता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन लोगों को क्या आता है, लोन है इसके ऊपर, लोन है इसके ऊपर। मैं बोलता लोन नहीं है, मतलब अगर आपने बोल दिया ना कि लोन नहीं है तो लोग ये सोचेंगे कि ये प्लॉट गलत है, ये जमीन बेकार है, इस पे मत लो, मतलब ये किसी काम का नहीं है। उस पे लोन नहीं है तो उस पे क्या करते हैं हम लोग, खुद टाइम देते हैं, क्योंकि जो कुछ सस्ती प्रॉपर्टी होती है उस पे सरकार या बैंक या कोई भी थर्ड पार्टी पैसा नहीं लगाता। फ्री होल्ड पे बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपना फाइनेंस देते हैं या कोई अपना पैसा लगाता है कोई भी बैंक के, तो हम उसमें साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पाँच साल का टाइम देते हैं पेमेंट करने के लिए। अगर मैं बोल दूंगा ना जी नहीं जी लोन तो है नहीं, नहीं जी गलत जमीन है, अगर उनसे पूछ दूंगा भाई साहब आपकी सैलरी कितनी है, यकीन मानिएगा कहेंगे जी 18,000-15,000। अब बताओ तुम्हारी प्रोफाइल तो है नहीं लोन लेने लायक, अब तुम्हें लोन चाहिए। यार पहले लोन लेने के लिए पहले अपनी आपका जो प्रोफाइल है वो आप चेक करो कि हाँ मुझे लोन ले मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। अपना सिविल स्कोर चेक कीजिए कि मेरा सिविल स्कोर कितना है। अब मैं कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसी भी है जो अथॉरिटी की होती है, सेक्टर की होती है, उसमें लोन भी होता है कि हाँ जी लोन है इसके ऊपर आप आ जाइए। जब मालूम चला, जब उनका डॉक्यूमेंट चेक होता है तो सैलरी उनको कैश मिलता है, तो कैश आप 1,00,000 भी महीना कमा लो उसका कोई गिनती नहीं करेगा बैंक के, आपको अकाउंट में चाहिए सैलरी, वो अकाउंट देखता है, सोर्स ऑफ इनकम चेक होता है, आपका सिविल चेक होगा, आपका डॉक्यूमेंट सारे चेक करते हैं, आप डिफॉल्टर है कहीं पहले किसी का पैसा लेके खा के तो नहीं बैठ गए, या कहीं किसी का आजकल मोबाइल लोग ले लेते किस्तों में और किस्त भरते नहीं है, उनका डिफॉल्टर वहीं से हो जाता है, उनको लोन फिर लाइफ में मिलती नहीं है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ है। तो लोन लेने से पहले अपनी प्रोफाइल चेक कीजिए, तब आपको लोन मिलता है। और ज़्यादातर कुछ प्लॉट ऐसी होती है जहाँ पे सरकारी बैंक लोन नहीं करती, वहाँ पे NBFC बैंक लोन करती है, जैसे अपना LIC, आधार,
चोलामंडलम में कुछ और भी जो प्राइवेट फाइनेंसर वही लोन करते हैं, तो लोग उस पर भी शक करते हैं कि भाई साहब इस पर सरकारी बैंक लोन क्यों नहीं करती। अरे भाई साहब सरकारी बैंक की क्राइटेरिया जो होता है बहुत बड़ा होता है, वो तो बड़े बड़े बिल्डरों को भी लोन नहीं करते जल्दी जल्दी जो मार्केट में बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ होती है जो आपको खुद से पहले प्रॉपर्टी लेने से पहले इसकी आप जानकारी इकट्ठा कर लें, खुद से नॉलेज ले लें, उसके बाद आप कहीं मार्केट में निकले और दूसरे से सवाल करें। और अब तीसरी बात करेंगे कि अभी मेरे पास कुछ अथॉरिटी के प्लॉट्स आए हुए हैं अपने नोएडा में अपने पास है, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में है, नोएडा वेस्ट में उधर है, सेक्टर 10 सेक्टर 12 और ABC ब्लॉक है हमारे पास। तो वहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए चाहिए, जो 6% किसानों वाली प्लॉट होती है, तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए 18-25 हज़ार रुपये मीटर में मिल जाता है, क्योंकि नोएडा में जो अथॉरिटी के प्लॉट्स होते हैं वो मीटर में ही चलता है। और अगर आपको रेजिडेंशियल चाहिए कि आपको बना कर रहना है, तो वो तकरीबन आपको 28-29-30 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है। और जितना बड़ा प्लॉट लेते हो, जितना बड़ा प्लॉट होगा उतना ही रेट उसका सस्ता होता है, जितना छोटा प्लॉट होगा उतना महंगा रेट होता है, ये चीज़ आपको ही पता है। मिनिमम हम वहाँ पे जो स्टार्ट होता है 60 मीटर से स्टार्ट हो जाता है, 60 मीटर का प्लॉट इजीली मिल जाता है, जो अगर हम गज में बात करें तो तकरीबन 70 गज का आता है वो, 60 मीटर 70 गज हो जाता है, ठीक है। तो मिनिमम जो साइज होता है वो 60 मीटर का मिलता है, बट वो बहुत रेयर केस में ही मिल पाता है, क्योंकि जो छोटे प्लॉट्स होते हैं बहुत जल्दी सेल आउट हो जाते हैं। तो इसमें मैक्सिमम आपको बड़े प्लॉट भी मिल जाते हैं, और जितना बड़ा प्लॉट लोगे 400-500-600 मीटर का, तो उतना ही वो सस्ते रेट में मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अथॉरिटी के भी प्लॉट्स आए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हो। अगर आपके पास बजट है अच्छा खासा, अगर 30-35-40 लाख का बजट है, तो आप नोएडा अथॉरिटी में अथॉरिटी का प्लॉट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उस पर आपका 70-80% तक बैंक लोन भी है, गवर्नमेंट बैंक से भी आपका लोन हो जाता है, लाइक SBI पंजाब, ICICI HDFC, इन सब प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे बैंक से इसमें आपको लोन मिल जाता है। अब कुछ बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद में भी हमारे पास कुछ सेक्टर्स में प्लॉट्स हैं, जैसे नील सिटी हो गया, लाडिमोरा सिटी हो गया, और अब पूरी अमन विलास हो गया। तो सेक्टर के अंदर जो मेरे पास आज की डेट में सबसे कम प्राइस का कोई अगर प्लॉट्स है, तो वो नील सिटी का प्रोजेक्ट है सेक्टर 98 में, उसमें आपको मिल जाता है तकरीबन, वहाँ भी आपको 27,000 से लेके और 30,000 के बीच में स्टार्टिंग है गज, उसमें मिल जाएगा आपको 27-28 हज़ार रुपये गज के हिसाब से मिलता है। मिनिमम साइज़ जो होता है आपको 100 से ऊपर का ही प्लॉट होगा उसमें, ठीक है। तो वहाँ भी अगर आपको मैं बता दिया, एक रफली आइडिया देता हूँ कि अगर आपको अथॉरिटी का प्लॉट चाहिए, चाहे वो नोएडा में ले लो चाहे फरीदाबाद में ले लो, तो आपका बजट कम से कम 35-40 लाख रुपए की होनी चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट अप्रूव अथॉरिटी सेक्टर के जो बोलते हैं बैंक लोन के साथ, वो आपको मिल पाएगा। इससे अगर कम का बजट है तो आप अथॉरिटी का प्लॉट ना ही देखो तो बढ़िया है। और अभी बात करते हैं हम कुछ फ्लैट्स के। फ्लैट के काफ़ी इंक्वायरी आए थे, जैसे मैंने कुछ दिन पहले BPL की जो फ्लैट होते हैं 7-8 लाख में, प्लॉट जो 7-8 लाख में थे मैंने डाला था, बट कुछ अनफॉर्चुनेटली मैंने वो बेचना बंद कर दिया, कुछ उसमें इशू थे प्लॉट्स में, और EWS के जो फ्लैट हैं, जो BPL के फ्लैट प्लॉट्स थे, उसमें कुछ इशू आने के कारण मैंने वो सेल करना बंद कर दिया है। तो अभी जो मेरे पास कुछ अफोर्डेबल जो बोलते हैं, जो मतलब रिजनेबल प्राइस में हमारे पास जो अगर कुछ प्लॉट फ्लैट 1BHK का, 2BHK, 3BHK का हमने देखा है, अभी लाए आप लोगों के लिए, जिसमें 1BHK का आपका 14-15 लाख में स्टार्ट हो जाता है, 2BHK का आराम से आपका 23-24 लाख में, और 3BHK आपको 25-30 लाख में मिल जाता है इजिली। बट वो क्या है कि पोजीशन थोड़ा सा लेट है, कोई 2023 में पोजीशन है, किसी का 2024 में पोजीशन है, ठीक है। बट रेडी टू मूव चाहिए तो उसमें थोड़ा सा आपको बजट बढ़ाना पड़ता है, जैसे रेडी टू मूव अगर 1BHK चाहिए 18-20 लाख में मिल जाएगा, 2BHK आपको 25-30 लाख, और 3BHK आपको 30-40 लाख के बीच में आपको 3BHK रेडी टू मूव फरीदाबाद में आपको मिल जाता है सेक्टर्स में। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि अब हमारे कुछ एरियाज़ हैं, जैसे कि बदरपुर हो गया और अपना प्रहलादपुर हो गया, यहाँ भी हमारे पास कुछ फ्लैट्स हैं, थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि आपको पता है दिल्ली में थोड़ी सी प्लॉट प्रॉपर्टी जो है थोड़ी महंगी है। अगर यहाँ के लिए भी आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर होता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, किसी कारण अगर फ़ोन ना उठाऊँ तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब कुछ बात करते हैं पर्सनल, ठीक है। और एक मैं सजेशन देना चाहूँगा आप लोगों से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के पूरे तरह से, कि आप लोग जब भी फ़ोन करें तो मुझे दो चीज़ हमेशा बताएं, जो भी आपने वीडियो देखी है उस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर्टी का लोकेशन मतलब जगह कौन सी है और प्राइस बताता हूँ, तो ये दो चीज़ आप कन्फर्म कर सकते हैं कि हाँ जी मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जो इस लोकेशन में है और उसका ये प्राइस है, देन मैं आपको पूरा डिटेल दे पाऊँगा। कितने लोग फ़ोन करते हैं जी आपकी ये प्लॉट कहाँ कट रहा है, भाई साहब मैंने बहुत सारे वीडियो डाला मुझे खुद नहीं पता आपने कौन सा देखा है, मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो आप बोलोगे जी आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो ये भी चीज़ है। और एक ये है कि लोग कहते हैं सर आप कहाँ मिलोगे, तो सर आप जैसे आपको पता है कि मैं एज अ फ्रीलांसर काम करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे डीलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनके साथ मिलके मैं काम करता हूँ, तो पार्टिकुलर अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपसे मिलके प्लॉट विजिट कराऊँ, आपसे मिलके मीटिंग करूँ, तो सर वो बहुत ही नामुमकिन हो जाता है, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि किसी संडे को मैं किसी साइड पर आपसे मिल सकता हूँ,
जहाँ पे मेरे ज़्यादातर का जो मेरा जो हॉट सेल प्रोडक्ट है, जहाँ पे जो मेरे ज़्यादा प्लॉट्स बिकते हैं, वहीं पे मैं संडे संडे कभी मिल जाता हूँ लोगों से। अदरवाइज़ ज़्यादातर मैं फील्ड में रहता हूँ। और मेरा जो खुद का ऑफिस है जहाँ मैं बैठा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल ऑफिस है जो सरिता विहार साउथ दिल्ली में है। तो यहाँ पे अगर आप कोई मुझसे आप मिलना चाहते हो तो आप मुझसे मिल सकते हो। यहाँ पे मैं डेली सुबह 11:30-11 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ, देन उसके बाद मैं फील्ड में निकल जाता हूँ आप लोगों के लिए कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी लाने के लिए। तो चलिए अभी तो कुछ होगी बातें, अगर किसी भाई को कुछ बुरा लगा हो तो मुझे उसके लिए सॉरी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है लोग व्यूज़ है कि नहीं मानिए, व्यूज़ जो है 5,000-10,000-50,000-50,000 व्यूज़ पहुँच जाता है, बट उसमें क्या होता है कि लोग लाइक तक नहीं करते, लोग सब्सक्राइब तक नहीं करते। अरे यार बहुत मेहनत करते हैं हम लोग भी, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। और एक जो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो रेड कलर का जो बटन दबा उसको दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी रुको रुको, एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को कि जैसे मैंने कुछ पहले भी कुछ वीडियो में इन्वाइट किया था कि अगर किसी को मेरे साथ जुड़ के काम करना है, एज अ एजेंट बन के काम करना है, कमीशन बेस पे काम करना है, तो उनका मोस्ट वेलकम है मेरे ऑफिस में। आप आइए, मिलके हम सब एक साथ काम करेंगे, ठीक है जी। तो लास्ट में एक ऐसी सरप्राइज देना था, आप लोग आके हम लोग मिलते हैं, एक साथ बैठ के काम करते हैं। और हमारे पास काफ़ी कम से कम 30-35 लोगों की टीम अभी जो वर्क कर रही है पूरे दिल्ली NCR में। तो आप लोग भी आइए, मिलके काम करते हैं, एज आप पार्ट टाइम फुल टाइम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से आप काम मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर से लास्ट में वही चीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए।